क्लास 10th का रिजल्ट जो इंटरनल रिसोर्सेज से सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 22 जुलाई को शाम को 4 बजे रिजल्ट आ सकती है, मैंने आएगी ही। और इसके लिए आपको कैसे रिजल्ट को चेक करना है इसको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, cbse.gov.in को क्लिक करना है गूगल में जाकर। तो इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पर जो CBSE का है, 3 वेबसाइट दिखेगा, न्यू वेबसाइट, सरस, रिजल्ट और एकेडमिक वेबसाइट, चौथा भी दिखेगा। तो आपको क्या करना है, रिजल्ट को क्लिक करना है और ये करीब करीब 3 बजे 22 तारीख को 3 बजे ये क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको दिखेगा CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो यहाँ पर जैसे ही जाएंगे CBSE इसको जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एग्जामिनेशन रिजल्ट, तो यहाँ पर जो आपको जो क्लिक कर रहा है अभी जो दिख रहा है कि अक्टूबर 2020 का कंपार्टमेंटल का एग्जामिनेशन है, तो यहीं पर आपको 22 तारीख को करीब करीब 2 बजे आपको टाइमिंग देगा कि रिजल्ट विल पब्लिश और यहीं से इसको करना है, या फिर 2021 का रिजल्ट यहाँ पर एक क्लैग होगा। आप रिजल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपके पास जो अभी तक का जो इंटरनल सोर्स है उसके अनुसार जो आपका जो मार्क्स अपलोड हुआ है जिस स्कूल से, तो जिस सीक्वेंस से हुआ है सीरियल नंबर वो रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और वो दोनों से चेक करना है। तो आप स्कूल से वो जो सीक्वेंस नंबर है स्कूल के संपर्क में रहें तो स्कूल आपको वो सूचना देगा, या फिर दूसरा जो डीजी लॉक है वहाँ से जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है या फिर आधार नंबर, वो दोनों को डाल के वहाँ से भी रिजल्ट देखा जा सकता है। थैंक यू।